हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। आज पढ़ेंगे बच्चों हम पाठ नंबर 20, जिसका नाम है शब्द भंडार यानी वोकेबलरी। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अनेकार्थक शब्द। वे शब्द जो प्रसंग एवं संदर्भ के अनुसार अलग अलग या भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं कौन कौन से अनेकार्थक शब्द बच्चों शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। अवकाश, छुट्टी, बीच का स्थान या समय। अंक, संख्या, गोद, नाटक का एक भाग। उपचार, सेवा, इलाज, उपाय। दल, सेना, पत्ता, समूह। नाक, नासिका, स्वर्ग। पानी, जल, चमक, मान, शक्ति। काल, समय, मृत्यु, यमराज। अली, सखी, भवरा, कोयल। अक्षर, भाषा का लिपि चिन्ह ईश्वर। प्रकृति, स्वभाव, कुदरत, मूल अवस्था। रक्त, खून, लाल, केसर। आराम, बाग, विश्राम, सुखचैन। अंत, समाप्ति, मृत्यु, परिणाम। हाथ, हाथी की सूंड, टैक्स। दंड, सजा, जुर्माना, दंडा। निशान, चिन्ह, दाग, लक्षण। पूर्व, पहले, दिशा, जिधर सूर्य उदय होता है। वंश, बांस, खानदान, गोत्र, कुल। अर्थ, धन, प्रयोजन, अभिप्राय, के लिए, मतलब। आम, सामान्य, फल विशेष का नाम। मधु, शहद, मीठा, रस, वसंत, मदिरा, इसमें है। प्यार, चिकनाई, तेल, कोमलता। बच्चों अब पढ़ेंगे हम समरूपी भिन्नार्थक शब्द। आइए देखते हैं जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो और लेखन में भी ह्रस्व, दीर्घ, मात्रा आदि का थोड़ा अंतर हो, परंतु उनका अर्थ भिन्न हो, वे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें भिन्नार्थक शब्द युग्म भी कहते हैं। जैसे जरा देखिए तो समरूपी शब्द और बच्चों उनके अर्थ दिए गए हैं। अचल, पहाड़। अचला, पृथ्वी। अनल, आग यानी अग्नि। अनिल, वायु। अदृश्य, ना दिखने वाला। अदृश्य, भाग्य। अम्बा, माता। अंबु, पानी। अनि, शत्रु। अनी, नोक। अपकार, बुराई, हानि। उपकार, भलाई। अचर, जड़। अचिर, नश्वर, शीघ्र। उपयुक्त, ठीक, उचित। उपयुक्त, ऊपर कहा गया। अस्त, छिप जाना। अस्तु, अच्छा, ऐसा ही। इतर, अन्य। इत्र, फूल आदि का सुगंधित तत्व। इंदिरा, लक्ष्मी। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी। केसर, एक सुगंधित पदार्थ। केशर, शेर की गर्दन के बाल। कंकर, छोटा पत्थर। किंकर, सेवक, दास। चरण, पैर। चारण, भाट। चपल, चंचल, चपला, बिजली। कृति, रचना। कृति, कुशल। क्लेश, लड़ाई, झगड़ा, अशांति। कलेश, चंद्रमा। ग्रह, सूर्य, चंद्र आदि ग्रह। गृहे, गृही। गृही मतलब घर। ग्रंथ, पुस्तक। ग्रंथि, गांठ। चित्र, तस्वीर। चित्रा, एक नक्षत्र का नाम या गाय। ज्वर,
बुखार, बुखार, जुवार, एक अन्य विशेष, आतप, धूप, आपत, विपत्ति, चर्म, चमड़ा, चरम, अंतिम, तरंग, लहर, तुरंग, घोड़ा, नग, पहाड़, नाग, सांप, प्रतिमा, मूर्ति, प्रतिभा, बुद्धि, भारती, वाणी, सरस्वती, भारतीय, भारत देश का व्यक्ति, युक्त, जुड़ा या मिला हुआ, युक्ति यानी उपाय। चलिए बच्चों, हमने देखे दो शब्द कितने आपस में मिले जुले लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ किस तरह अलग होते हैं। अब पढ़ेंगे हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। हम ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक समान अर्थ देते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। चलिए बच्चों देखते हैं, जरा यहाँ पर हमें कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जैसे अवनि, पृथ्वी, धरती, अचला, मेदनी, वसुधा, धरणी, अग्नि, आग, अनल, वहीन, पावक, ज्वाला, वैश्वानर, अंबर, आकाश, नभ, व्योम, गगन, शून्य, अंतरिक्ष, आंख, अक्षी, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, वायु, पवन, समीर, वात, मारुत, हवा, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, जगदीश, ईश, प्रभु, परमेश्वर, किरण, कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूक, आभा, कृष्ण, केशव, कान्हा, वासुदेव, गोपाल, गिरधर, मुरलीधर, गणेश, एकदंत, गजवदन, गजानन, गणपति, लंबोदर, वक्रतुंड, विनायक, गृहे, घर, आवास, निलय, गेह, सदन, सद्म, धाम, गंगा, भागीरथी, सुरसुरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, त्रिपटगा, देवव्रत, चंद्रमा, मयंक, निशाकर, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, इंदु, शशि, जल, पानी, नीर, वारी, पोए, अंबु, उदक, सलील, दिन, दिव, दिवस, वासर, वार, अहन, ध्वज, झंडा, केतु, पताका, ध्वजा, प्रतीक, निशान, पति, स्वामी, भद्रा, अर्धांग, आर्यपुत्र, नाथ, वल्लभ, प्राणेश, पत्नी, वामांगी, भार्या, अर्धांगनी, जाया, कलत्र, प्रियतमा, वल्लभा, प्रिया, पुष्प, आत्मज, कुसुम, प्रसून, सुमन, फूल, पुत्र, आत्मज, अंशक, सुत, तनय, बेटा, लाल, पुत्री, आत्मजा, सुता, कन्या, बेटी, कन्या, प्रकाश, उजाला, रोशनी, प्रभा, ज्योति, विभा, बादल, वारित, नीरद, मेघ, पयोध, जलधर, अम्बुद, घन, भोजन, आहार, भोग, भक्षण, जीवना, खाना, आसन। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अभी हमने पढ़े पर्यायवाची शब्द, अब पढ़ेंगे हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। चलिए जरा देखते हैं कुछ शब्द और उनके विलोम अर्थ।
चलिए बच्चों, यहाँ कुछ शब्द और विलोम दिए गए हैं, हम उन्हें साथ में पढ़ते हैं। अर्थ अनर्थ, अनुकूल प्रतिकूल, अमृत विष, उपयोगी अनुपयोगी, अभिमान निरभिमान, अनुराग विराग, अचित सचित, अर्जुन विसर्जन, आध्यात्मिक भौतिक, अनाथ सनाथ, अवनति उन्नति, आदि अंत, उल्लास अवसाद, अवनी अंबर, आस्था अनास्था, आरोह अवरोह, आरोप प्रत्यारोप, आय व्यय, आस्तिक नास्तिक, आयात निर्यात, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, उत्थान पतन, आकाश पाताल, चेतना अवचेतन, जय पराजय, जन्म मरण, जीवन मृत्यु, जल थल, कटु मधुर, कठिन सरल, अगला पिछला, अस्त उदय, कर्म अकर्म, नर्क स्वर्ग, देश विदेश, उदार अनुदार, उधार नकद, अतिवृष्टि अनावृष्टि, कुटिल सरल, कारण अकारण, अनुज अग्रज, खंड अखंड, गमन आगमन, गहरा उथला, गुप्त प्रकट, गृहस्थ सन्यासी, ग्राहक दुकानदार, गुप्त प्रकट, चतुर मूर्ख, चिर उचिर, घृणा प्रेम, आलसी परिश्रमी, आलोक अंधकार, चेतन अचेतन, आत्मा अनात्मा, उचित अनुचित, औचित्य अनुचित्य, धीर अधीर, नूतन पुरातन, उत्तम अधम, ठोस तरल, तीव्र मंद, दीर्घ हिरसव, दुर्व्यवहार सद्व्यवहार, दुर्जन सज्जन, दुर्लभ सुलभ, देनदार लेनदार, विचार अविचार, वैधानिक अवैधानिक, मंगल अमंगल, भूगोल खगोल, भूत भविष्य, कठोर कोमल, क्रय विक्रय, क्रिया प्रतिक्रिया, उत्थान पतन, आनंद निरानंद, कृतज्ञ कृतघ्न। तो बच्चों, ये पढ़े हमने विपरीतार्थक शब्द यानी के विलोम शब्द। अब पढ़ेंगे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए बच्चों, देखते हैं जरा क्या होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को स्पष्ट एवं प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांश अथवा शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक, कानून की दृष्टि से दंडनीय कार्य अपराध, जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं अद्वितीय, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि, जिसका कभी अंत ना हो अनंत, जिसकी चाह ना हो अनचाहा, जिसे देखा ना हो अनदेखा, किसी को ना मारना या कष्ट ना पहुंचाना, अहिंसा, जिसका वर्णन ना हो सके अवर्णनीय, जो कानून या नियम के विरुद्ध हो अवैधानिक, जो कभी नष्ट नहीं होता अविनाशी, जो कानून या नियम के विरुद्ध हो अवैधानिक, जो पाठ्यक्रम में नहीं है अपठित, जो पढ़ने लायक ना हो अपठनीय, जो बात नहीं मानी जा सकती या ना मानने योग्य हो अमान्य, जिसे छोड़ा या हटाया ना जा सके अनिवार्य, ना चूकने वाला अचूक, जो दूर तक या भविष्य की ना सोच सके अदूरदर्शी, जिसके समान और कोई ना हो अनुपम, जिसको समझाना गया हो अबूझ, जिसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया हो अस्वीकृत, जिस स्त्री की संतान ना होती हो बंधिया, सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि अनुदान, किसी वस्तु को अन्य देश से मांगना आयात,
किसी वस्तु को अन्य देश में भेजना निर्यात, उपयोग करने वाले उपभोक्ता, ऊपर कहा गया उपयुक्त, भेंट की गई वस्तु उपहार, एक व्यक्ति का शासन या राज्य एक तंत्र, विशाल हृदय वाला उदार, राजनीति के दावपेच कूटनीति, खेत में वह स्थान जहां फसल काट कर रखी जाती है खलिहान, गुप्त रखने योग्य गोपनीय, लंबी उम्र वाला चिरायु, शासन की प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है जनतंत्र, जन्म से प्राप्त जन्म सिद्ध, जिसे दंड देना उचित हो दंडनीय, किसी महापुरुष या संस्था की जन्मतिथि जयंती, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं क्षितिज, राज्य की ओर से पत्रादि भेजने की व्यवस्था डाक, 10 वर्षों का समय दशक, पानी फेंककर आग बुझाने वाला यंत्र दमकल, इसका मिलना कठिन हो दुर्लभ, किसी अन्य देश के दूत का निवास स्थान दूतावास। बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज आपने जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।